Today, what we are seeing, the systematic destruction of the institutions that help the states of India speak to each other. We see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the house, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled. देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है? आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है. नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है. एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई. आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा. खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए. इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है. मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो देश के सामने एक खतरा है. मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं. यह मेरी जिंदगी की लड़ाई है.